चलिए, सो लेट अस स्टार्ट अवर सेशन. इंट्रोडक्शन यू ऑलरेडी नो व्हाट इज ऑफर. लेट अस कम टू नाउ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस पे आते हैं. ऑफर आपको याद होगा सर, ऑफर क्या था? जहां एक बंदा अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस, अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कुछ करना या कुछ ना करने की इच्छा दर्शाता है. वो ऐसा क्यों करता है सर? विथ ए व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर पर्सन, दूसरे बंदे की एसेंट यानी एक्सेप्टेंस चाहता है, एसेंट चाहता है, कंसेंट चाहता है कि सामने वाला कह दे कबूल है. इसीलिए तो ऑफर रखी जाती है कि सामने वाला वो ऑफर एक्सेप्ट कर ले, राइट? इसीलिए ऑफर रखी जाती है, यही उसका इंटेंशन है. दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ पुटिंग एन ऑफर इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन, राइट? सो यही हमने पढ़ा अंदर. एक बंदे ने ऑफर रखी है, अब दूसरा बंदा क्या करेगा? एक्सेप्टेंस क्या होगा सर? एज पर सेक्शन 2B, ऑफर की सेक्शन क्या थी? 2A. एक्सेप्टेंस की सेक्शन क्या है सर? 2B. तो 2B के हिसाब से उसकी डेफिनेशन देखते हैं सर. व्हेन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी जिस बंदे के सामने प्रपोजल रखी गई है वो बंदा कौन हुआ? प्रॉमिसी, प्रपोजी, ऑफरी, द अदर पर्सन, सामने वाली पार्टी. वो क्या करेगा सर? व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, सामने वाला बंदा क्या करेगा? सिग्निफाइज हीज एसेंट देयर टू, मीन्स वो भी अपना एसेंट दे. एसेंट दे मीन्स ही इज ऑल्सो सपोज टू मेक कम्युनिकेशन ऑफ हिज कंसेंट, ऑफ हिज एक्सेप्टेंस. अगर उसे ऑफर पसंद है तो वो क्या करेगा? ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन. अनदर पर्सन मीन्स द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स द प्रोमिसर, ऑफरर. उसे कह देना है भाई आई एक्सेप्ट योर ऑफर, लेकिन आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो उसका कम्युनिकेशन होना भी जरूरी है. सो योर एसेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, द अदर पर्सन एसेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एसेंट सिर्फ ऑफरर का नहीं होगा, एसेंट जो लेना है वो किससे लेना है सर? ऑफर ही से लेना है, प्रॉमिसी से लेना है. तो वो एसेंट कम्युनिकेट होना चाहिए, बहुत जरूरी है. अगर ऐसा होता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, जिसके सामने ऑफर रखी गई है वो बंदा अगर उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है मीन्स अपना एसेंट देता है, उस एसेंट का कम्युनिकेशन करता है, सिग्निफाई, एक्सप्रेस करता है. इफ ही एक्सप्रेस इज एसेंट मीन्स कंसेंट मीन्स एक्सेप्टेंस, तो उस प्रपोजल को क्या किया आपने सर? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, हम आगे पढ़ चुके हैं. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. सो अगर मुझे सरल भाषा में समझाना हो सर, ऑफर और एक्सेप्टेंस अब दोनों को साथ में लेते हैं तो क्या बनता है सर? ऑफर यानी क्या है सर? एक बंदे के दिल में जो कुछ चल रहा है वो बंदा दूसरे बंदे के सामने एक्सप्रेस कर देगा कि भाई तू मुझे बहुत अच्छी लगती हो. सो व्हाट एवर योर फीलिंग्स आर देयर, यू आर सपोज योर डिजायर्स, यू आर सपोज टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ अनदर पर्सन कि मेरे मेरे सर मेरी तरफ से तो डन डना डन डन है, मैंने तो ऑफर रख दी है, वेटिंग फॉर द रिप्लाई ऑफ द अदर पर्सन. अगर आपकी ऑफर सामने वाले बंदे को अच्छी लग जाएगी, बंदी को अच्छी लग जाएगी, तो वो क्या करेगी सर? उसका एक्सेप्टेंस करेगी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना जरूरी है. सो दोनों के अंदर एक कॉमन पॉइंट बनता है कम्युनिकेशन. ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इन द सेम वे एक्सेप्टेंस मस्ट ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड. फ्रॉम बोथ द साइड देयर शुड बी कम्युनिकेशन, तभी वो वैलिड एग्रीमेंट प्लस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा. डेफिनेशन अगर आप पैराग्राफ स्टाइल में लर्न नहीं कर पा रहे हो तो मैंने आपको तोड़ दिया हुआ है. मेक इट इंस्टॉलमेंट, छोटे छोटे पार्ट बना दो डेफिनेशन के तो आपको बहुत इजी लगेगा. व्हेन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, व्हेन पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, देयर टू, देन व्हाट विल हैपन? द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड. अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस.
अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में अब समझाना हो, एक्सेप्टेंस क्या है, मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्टेंस, लेट अस कम टू द मीनिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस आफ्टर डेफिनेशन. एक्सेप्टेंस इज एन एक्सप्रेशन, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन सिग्निफाइज, ये एक ही वर्ड से सब. एक्सप्रेशन बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी मीन्स द अदर पर्सन, प्रोमिसी ऑफ हिज विलिंगनेस टू बी बाउंड बाय द टर्म्स ऑफ द ऑफर, यानी ऑफर की जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर रहा है, वो खुशी खुशी अपनी इच्छा से एक्सेप्ट कर रहा है. अगर ऑफर का एक्सेप्टेंस हो रहा है, मीन्स ऑफर के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है वो सारी की सारी बाइंडिंग हो जाएगी. किसके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगी, लागू हो जाएगी, प्रॉमिसी के ऊपर, जिसने एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टर के ऊपर ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू हो जाएगी. वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वो एक्सेप्ट कर रहा है, वट एवर देट आर केप्ट इन द ऑफर बाय द ऑफरर, ऑफरर ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी है वो सारी उसको एक्सेप्टेड है, तभी एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा. दिस रिजल्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीगल रिलेशन. जैसे ही आप एक्सेप्टेंस का एक्सप्रेशन, इफ यू एक्सप्रेस योर एक्सेप्टेंस, देन व्हाट विल हैपन सर, देयर विल बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लीगल रिलेशन बिटवीन बोथ द पार्टीज. बोथ द पार्टीज मीन्स द प्रोमिसर एंड द प्रोमिसी. आपको याद होगा द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर, हमने पढ़ा है द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड द ऑफरर, प्रोमिसर प्रपोजर, कुछ याद होगा आपको. द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड, हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में, द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी, प्रोमिसी, प्रपोजी, एक्सेप्टर. याद होना चाहिए, याद रखने की कोशिश करें. थोड़ा ट्विस्ट करें, बात वही है, थोड़ा ट्विस्ट करें तो क्या बनेगा, द पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल, द पर्सन मेकिंग अ प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर. वही बातें हैं, थोड़े शब्द चेंज किए हैं, खाली ऑफर की जगह प्रपोजल डाल दिया है, इज कॉल्ड प्रोमिसर, ऑफरर, या क्या कहेंगे, प्रपोजर. द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, जो एक्सेप्टेंस करने वाला है उस बंदे को क्या कहेंगे सर, प्रोमिसी. अब मैं ऑफरर ऑफरी की जगह ज्यादातर वर्ड्स जो यूज करूंगा वो कौन से होंगे सर, प्रोमिसर प्रोमिसी. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस. Aina offers to sell her table fan to Saina for rupees 800. Aina offers to sell his table fan to Saina for rupees 800. Aina offer rakh rahi hai. To Aina kaun ho gayi sir? Promiser. The person making a proposal. Aina makes an offer, makes a proposal. What he wants, what act he is going to do? He is going to act to sell his table fan. To whom he is going to sell the table fan sir? Saina. So Saina becomes who? Which party Saina will represent, sir? Saina is nothing but she is promiser over here. So Aina is promiser and Saina, who is going to make the acceptance of the proposal, becomes acceptor, or you can say promisee. Saina agrees to buy the table fan for rupees 800. While Saina likes the offer, so he makes the acceptance of the offer. The person accepting the proposal is called promises, the promisee. Saina agrees to buy the table fan for rupees 800. So offer plus acceptance is made by both the parties. This is an acceptance of Aina's offer by Saina. Jo agreement, jo contract frame hua hai sir, dono ke beech mein, wo acceptance ke basis pe hua hai. Ek बंदी ने ऑफर रखी, आईना ने ऑफर रखी, साइना ने उसका एक्सेप्टेंस किया, विच विल कंसीडर एज अ वैलिड एक्सेप्टेंस. वैलिड एक्सेप्टेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सर, इफ देयर इज एन ऑब्लिगेशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज एंड देयर इज एन ऑब्लिगेशन इन टर्म्स ऑफ अमाउंट 800. सो इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लेट अस टेक नाउ द एसेंशियल्स एंड द लीगल रूल्स फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस. जैसे हमने एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देखा, एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड ऑफर देखा, वैसे ही एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस की चर्चा पे अब चलते हैं. सबसे पहली चीज क्या आएगी सर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड. ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, एक्सेप्टेंस कैसा होना चाहिए सर, फुल होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए. एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन कंप्लीट फुल, होल ट्रांजेक्शन शुड बी एक्सेप्टेड, पार्शियल एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए. अनक्वालिफाइड का मतलब होता है सर अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस भी, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है आपने सर.
सो एन एक्सेप्टेंस इन ऑर्डर टू बी बाइंडिंग मस्ट बी फुल, मस्ट बी मेड इन फुल मीन्स एब्सोल्यूट, जैसी ऑफर रखी गई है वैसी की वैसी पूरा का पूरा एक्सेप्टेंस करना है अपने, एंड अनक्वालिफाइड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस करना इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ द ऑफर। ऑफर के अंदर जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है यू आर एक्सेप्टिंग द ओवरऑल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑफर। आप उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होने चाहिए, आपने सामने से कोई कंडीशन नहीं रखनी है। याद रखना ऑफर मे बी कंडीशनल, ऑफर के अंदर आप कंडीशन रख सकते हो, बट वाइल मेकिंग एक्सेप्टेंस इट शुड बी ऑलवेज अनक्वालिफाइड मीन्स इट शुड बी ऑलवेज अनकंडीशनल। एक्सेप्टेंस करने वाला बंदा यानी कि प्रोमिसी एक्सेप्टर वो कोई भी कंडीशन नहीं रख सकता है। अगर वो कंडीशन रख रहा है इट इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बंदा कंडीशन नहीं रख सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है। ऑफर रखने वाला ऑफरर यानी कि प्रोमिसर ही कैन पुट कंडीशन वाइल मेकिंग ऑफर। एडवांस पेमेंट की कंडीशन वो रख सकता है वो चाहे तो, हमने आगे पढ़ा हुआ है, लेकिन एक्सेप्टेंस करते वक्त कोई भी कंडीशन नहीं रखनी है। बल्कि सामने वाले ने जो अगर कोई कंडीशन रखी है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं करना है, कोई चेंजेस नहीं करना है। एक्सेप्टेंस ऑफ अ प्रपोजल विथ कंडीशंस एंड वेरिएशंस, अगर आपने एक्सेप्टेंस किया है और एक्सेप्टेंस करते वक्त कोई कंडीशन रख दी है, किसने, प्रोमिसी ने, या कोई वेरिएशन किया है, कोई चेंजेस किया है, कोई मॉडिफिकेशन किया है टर्म्स ऑफ ऑफर के अंदर, इज नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल, वो वैलिड नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगा सर। तो आपने कोई कंडीशन नहीं रखनी है और जो भी टर्म्स रखी गई उसमें कोई वेरिएशन कोई चेंजेस नहीं करने। इफ एक्सेप्टेंस इज मेड विद वेरिएशन मीन्स चेंजेस, वेरिएशन मीन्स वॉट, चेंजेस, आपने एक्सेप्टेंस किया लेकिन कुछ चेंजेस करके एक्सेप्टेंस किया है अपने मन से, अपनी मनमानी कर ली है, इट इज नॉट वैलिड एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। सो जिस स्वरूप में ऑफर रखा गया है उसी स्वरूप में पूरा का पूरा आपने एक्सेप्टेंस करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप एज अ प्रोमिसर, सॉरी प्रोमिसी, आप कोई कंडीशन नहीं रख सकते सर। अब एक केस की डिटेल लेते हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी आपको पॉइंट के ऊपर। इन नील वर्सेस मैरिट 1930, मैरिट केस है, केस की डिटेल ले रहे हैं, 1930 का केस है। मैरिट ऑफर्ड अ लैंड टू नील एट $280। मैरिट ने ऑफर रखी है, यानी मैरिट कौन हो गया सर, प्रोमिसर हो गया, वो अपना एक जमीन का टुकड़ा बेचना चाह रहा है, कीमत रखी है $280, किसे बेचना चाह रहा है सर, नील को। नील कौन है, प्रोमिसी। Neil replied accepting and enclosing $30 and promising to pay the balance by monthly installment of $50 each. अब देखिए मैरिट ने जो ऑफर रखी है वैसे अंदर कोई कंडीशन नहीं रखी है बंदे ने, $280 के हिसाब से उसने ऑफर रखी है, अपना जमीन का टुकड़ा बेचना चाहता है, लेकिन नील अब मनमानी कर रहा है। नील ने क्या मनमानी की है, he has accept the offer, but उसने मनमानी की क्या क्या किया है सर, क्या वेरिएशन किया है सर टर्म्स एंड कंडीशंस में, उसने डाउन पेमेंट कर दिया $30 का एंड प्रॉमिसिंग टू पे द बैलेंस बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ $50 ईच, यानी 5 हफ्ते कर दिए अपने मन से कर दिए। ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी है नो डाउट बाय मैरिट, बट नील अपने हिसाब से चल रहा है तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा सर। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए, यूं समझ लीजिए किसने टर्म्स एंड कंडीशन रख दिए, नील ने। प्रोमिसी कैन नॉट पुट एनी कंडीशन वाइल मेकिंग एक्सेप्टेंस। तो ये इंस्टॉलमेंट की कंडीशन हो गई है, 5 इंस्टॉलमेंट्स में $50 हर महीने वो पे करेगा, इट इज नॉट वैलिड एक्सेप्टेंस सर। एज नील एक्सेप्टेड द प्रपोजल सब्जेक्ट टू मेकिंग पेमेंट्स इन इंस्टॉलमेंट, ऐसा उसने किया, नील ने किया, इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट, जजमेंट क्या आया, जजमेंट या इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज। एज रीजन क्या है, वाई there is no contract between both the parties, the reason that there was conditional acceptance, qualified acceptance kiya gaya, conditional acceptance kiya gaya by the acceptor which is not valid। yahan pe aap dusra example likh sakte ho, yahan pe condition rakhe acceptance karne ki baat ki gayi hai which is not valid in case of acceptance, वैसे ही आप दूसरा example यहाँ अगर डालना चाहो लिखना चाहो तो हो सकता है example which is based on counter offer। counter offer में क्या होता है सर, ये example किस पे based था, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस। दूसरा एग्जाम्पल अगर आपने लिखना हो तो किस पे लिख सकते हो, वेरिएशंस पे। वेरिएशंस मीन्स
इट रिजल्ट्स इनटू काउंटर ऑफर। हमने एग्जांपल देखा था कंप्यूटर वाला, याद हो तो आपको प्रीवियस लेक्चर में, 11,000 का कंप्यूटर एक बंदा बेच रहा था दूसरे बंदे को, उसने कहा नहीं 11,000 बहुत ज्यादा है, 7,000 की मेरी काउंटर ऑफर है आपके फ्रेश ऑफर के सामने। आपको याद होगा कुछ प्रीवियस लेक्चर में चर्चा की थी। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो गई, मीन्स जो टर्म्स रखी गई है उसमें आप वेरिएशन कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, वैलिड नहीं है। यहाँ तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं थी नील वर्सेस मैरियट में, उसने खुद टर्म्स एंड कंडीशंस बना दी इंस्टॉलमेंट की। लेकिन यहाँ तो प्राइस फिक्स है 11,000, उसके सामने आप ऑफर काउंटर ऑफर रख रहे हो 7,000, यानी कंडीशन चेंज कर रहे हो, 11 की 7,000 कर रहे हो, बार्गेनिंग कर रहे हो, नेगोशिएशन कर रहे हो, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस। काउंटर ऑफर का भी एग्जाम्पल आप यहाँ चाहो तो एक्स्ट्रा में दूसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सेकेंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। से फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपसे हिंदी में बात करे तो आपकी ड्यूटी बनती है, समझ लीजिए मैनरिज्म बनता है, कर्टेसी बनती है कि आप भी उसे हिंदी में ही वार्तालाप करें उसके साथ। हमारे साथ है कोई गुजराती में बात करे तो नॉर्मली तुम्हारे गुजराती में बात कर भी जो, बट इफ समवन स्पीक्स विथ यू इन इंग्लिश, यू आर सपोज टू स्पीक इन इंग्लिश, यू शुड रिप्लाई इन इंग्लिश। तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जिस मैनर में ऑफर रखी गई है उसी मैनर में उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, इस तरीके से ही होना चाहिए। अगर मेथड या मोड प्रिस्क्राइब कर दी है तो उसी मेथड या मोड के हिसाब से उस ऑफर का एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, मेथड या मोड नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे सर? इफ सच मेथड इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन इट कैन बी एक्सेप्टेड इन द यूजुअल और रीजनेबल मैनर विच इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। रीजनेबल मैनर में आपने उसका एक्सेप्टेंस करना चाहिए, ठीक है? एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आमिर मेक्स एन ऑफर टू समीर एंड सेस, आमिर क्या कर रहा है सर? एक ऑफर रख रहा है समीर के सामने और क्या कह रहा है? सेंड योर एक्सेप्टेंस बाय लेटर। आपका एक्सेप्टेंस आपने कैसे भेजना है सर? थ्रू लेटर भेजना है। समीर सेंड्स हिज एक्सेप्टेंस बाय लेटर ओनली, इट इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस। सामने वाले ने जो ऑफर रखी हो, जो भी वो बेचना चाह रहा है, यहाँ प्रोमिसर कौन है? अमीर। अमीर ने ऑफर रखी है समीर के सामने, समीर ने ऑफर रखते वक्त एक छोटी सी शर्त रख दी है, कंडीशन। ऑफरर कैन पुट अ कंडीशन, क्या कंडीशन रखी है? उसने मेथड बताई है, क्या मेथड बताया है? सर आप एक्सेप्टेंस करोगे तो एक्सेप्टेंस कैसे करोगे? थ्रू लेटर ही करना है। आपने चिट्ठी आई है, आई है, यानी पत्र भेजना है, लव लेटर नहीं, ऑफिशियल लेटर भेजना है, तो वो लेटर के हिसाब से ही एक्सेप्टेंस करना है दोस्तों। तो समीर की ड्यूटी क्या बनती है? मैनरिज्म क्या कहता है, कर्टेसी क्या कहती है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी क्या कहता है सर? समीर शुड सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय लेटर ओनली। जब सामने वाला डिमांड कर रहा है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर थ्रू करना है, तो आपकी ड्यूटी बन जाती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपने एक्सेप्टेंस लेटर से ही करना है। फिर आपका एसएमएस नहीं चलेगा, ईमेल नहीं चलेगा, व्हाट्सएप मैसेज भी बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ में आ रहा हो तो जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से एक्सेप्टेंस करना चाहिए। अगर तरीका नहीं बताया है तो फिर कोई भी तरीका चलेगा। अगर मेथड नहीं बताया है कि लेटर भेजो, मेल करो, एसएमएस करो, देन रीजनेबल मैनर। अगर मान लो सामने वाले ने ईमेल भेजा है, ऑफर जो है वो ईमेल थ्रू भेजा है, तो उसका एक्सेप्टेंस भी मैनरिज्म क्या कहता है, रीजनेबल मैनर क्या कहता है, कि आपने भी उसको ईमेल थ्रू ही उसका एक्सेप्टेंस करना चाहिए। इफ इट इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड देन इट शुड बी एक्सेप्टेड इन द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर विच इज यूज्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। बहुत ही बढ़िया पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 3, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशियंट। कभी कभी क्या होता है, हमारी दिल की बात दिल में ही रह जाती है, हम बोल ही नहीं पाते, हमें बहुत सारी हमारी फीलिंग्स होती है लेकिन हम शेयर नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते, क्योंकि वो जब भी सामने आती है ना सर मैं कुछ बोल ही नहीं पाता, वैसी सिचुएशन हो जाती है। तो रूल क्या कह रहा है, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नॉट सफिशियंट। आपके माइंड में ही आपने एक्सेप्टेंस कर लिया है तो वैलिड एक्सेप्टेंस कैसे होगा? सामने वाले को आपकी आपकी जो दिल की बात है वो सामने वाले तक पहुंची नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं हुई है, कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। कम्युनिकेशन तो होना चाहिए ना सर। तो साइलेंस साइलेंस कैन नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। आप चुप रहोगे, आपको ऑफर, आपने ऑफर सुनी, आपको ऑफर बहुत अच्छी लगी, यू लाइक द ऑफर, बोले ऐसी ऑफर तो कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, आहा एक पे एक फ्री, मान लीजिए
आपको ऑफर बहुत अच्छी लगी, लेकिन आपने एक्सेप्टेंस सिर्फ माइंड में किया है, मेंटल एक्सेप्टेंस किया है, विच इज नॉट इनफ, विच इज नॉट इनफ। क्या करना है आपको, आपके एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेंस को क्या करना है सर? द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट ओनली व्हेन इट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन, टू द फर्स्ट पर्सन, द ऑफरर, द प्रोमिसर। प्रोमिस ही को क्या करना है, अगर ऑफर अच्छी लग गई तो बंदे की ड्यूटी क्या बनती है सर? ही मस्ट हैव कम्युनिकेटेड द एक्सेप्टेंस टू द अदर पर्सन, टू द फर्स्ट पर्सन। प्रोमिसर को कम्युनिकेशन करना है कि भाई मुझे आपकी ऑफर अच्छी लगी है, मैं उसका एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ। ये कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता कैसे चलेगा, राइट? सो दोनों केसेस में ऑफर भी कम्युनिकेट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है आगे, और एक्सेप्टेंस भी कम्युनिकेट होना चाहिए। केस की डिटेल लेते हैं, एक बढ़िया सा केस है, ब्रॉसडेन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी, 1877 का केस है। एन ऑफर टू सप्लाई कोल टू द रेलवे कंपनी वॉज मेड, एक ऑफर रखी गई है। ऑफर में क्या डिस्क्राइब किया गया है, दैट बंदा ब्रॉसडेन विल सप्लाई कोल टू द रेलवे कंपनी, रेलवे कंपनी को कोल यानी कोलसा जो हम कहते हैं हिंदी में, कोलसा, गुजराती में पण कोलसा कहवाय, ते सप्लाई करशे, એવી દરખાસ્ત, એવી પ્રસ્તાવના મૂકી છે, ઓફર મૂકી છે, રખી છે। ધ મેનેજર રોટ ઓન ધ લેટર, જૈસે રેલવે કંપની કે મેનેજર કો યે મિલા, લેટર મિલા, ધ મેનેજર રોટ ઓન ધ લેટર એક્સેપ્ટેડ, પુટ ઇટ ઇન હિઝ ડ્રોવર એન્ડ ફોરગેટ ઓલ અબાઉટ ઇટ। ઉસને યે એક્સેપ્ટન્સ કિયા હે, લેકિન એક્સેપ્ટન્સ કહાં કિયા, લેટર કે ઉપર, ઓર લેટર ઉસને ડ્રોવર મે રખ દિયા હે ઓર ભૂલ ગયા। हो जाता है ना कभी कभी, हम भूल जाते हैं, असाइनमेंट की डेट दी होती है लेकिन हम भूल जाते हैं। हमारे फिजिकल लेक्चर्स जो पहले जिस तरीके से कॉलेज चल रही थी उसके हिसाब से कह रहा हूँ, कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये बंदा भी भूल गया, मैनेजर भी भूल गया, ऑफर अच्छी लगी, ऑफर पड़ी, लेटर के ऊपर एक्सेप्टेंस भी लिख दिया, लेकिन बाद में भूल गया। क्या भूल गया, आगे की प्रोसेस करना भूल गया। जैसे आगे की प्रोसेस में क्या होगा सर, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा, फिर उसको पोस्ट कर देना है, राइट? पोस्ट किया नहीं बंदे ने, आगे प्रोसेस ही नहीं की, तो ये एक्सेप्टेंस कैसा एक्सेप्टेंस हुआ सर? मेंटल एक्सेप्टेंस, विच इज नॉट सफिशियंट, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस, विच इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट वाज हेल्ड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड बिकॉज एक्सेप्टेंस वाज नॉट कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस किया लेकिन उसके बाद आगे का कम्युनिकेशन, आगे की प्रोसेस ही नहीं, आपने एक्सेप्टेंस सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा, तो कहाँ से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा सर? इसलिए कहते हैं मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ये पॉइंट को ध्यान में रखना, माइंड में रखना, शायद शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ले, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। हेलो, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जैसे ऑफर का कम्युनिकेशन होना चाहिए, वैसे एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन करेगा कौन एक्सेप्टेंस में? कम्युनिकेशन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है सर? एक्सेप्टर की, प्रोमिसर की। ऑफर में कम्युनिकेशन करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? ऑफरर की, फर्स्ट पर्सन, प्रोमिसर। वैसे ही एक्सेप्टेंस के अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? एक्सेप्टर की, द ऑथोराइज पर्सन। क्या कहते हैं उसको? ऑथोराइज पर्सन, अधिकृत व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि जो स्वीकार करने में आ रहा है उसका वार्तालाप हो, मींस उसका कम्युनिकेशन हो। फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी, फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस इट शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी हिमसेल्फ। ऑफरी वही हुआ एक्सेप्टर, ऑफरी खुद एक्सेप्टेंस करेगा, ये रूल है यूं समझ लीजिए, और बाय एन ऑथराइज पर्सन। अगर ऑफरी नहीं है, हो सकता है उसका कोई एजेंट हो जिसको उसने अपॉइंट किया हो, तो वो ऑथराइज पर्सन हो सकता है। सो या तो बंदा खुद होगा या उसका ऑथराइज्ड एजेंट भी हो सकता है, ऑथराइज्ड पर्सन भी हो सकता है, विच इज अ वैलिड एक्सेप्टेंस, बट उसका कम्युनिकेशन होना जरूरी है, तभी वो वैलिड एक्सेप्टेंस बनेगा। प्लस इफ एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन, उल्टा कर दे तो, अगर अनऑथराइज पर्सन ने एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन किया, इट विल नॉट क्रिएट लीगल रिलेशन, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा सर, कोई जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होगी दोनों के ऑफर ऑन एक्सेप्टेंस के पूरे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर। एक यहाँ पे भी केस है, बहुत बढ़िया केस है, हमसे जुड़ा हुआ केस है सर, वो लेते हैं, स्कूल प्रशासन से जुड़ा हुआ केस है, उसमें चलते हैं। इन द केस ऑफ पॉवेल वर्सेस ली सर,
सर मैंने दुनिया भर के केसेस रखे हैं, आप फॉलो करो तो अच्छा है, पढ़िएगा उसको अच्छे से। पॉवल वर्सेस ली का केस है। पी पी मीन्स पॉवल। पॉवल अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ ए हेड मास्टर इन अ स्कूल। हेड मास्टर यानी प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए मिस्टर पी ने एप्लीकेशन फाइल की। जॉब है, जॉब के लिए अप्लाई किया, यूं समझ लीजिए पॉवल ने। पॉवल कौन हो गया सर? अप्लाई किया, एप्लीकेशन रखी उसने, ऑफर रखी हूँ समझ लीजिए, प्रपोजल रखा बंदे ने। तो पॉवल कौन हो गया सर? प्रॉमिसर। द मैनेजिंग कमिटी पास्ट अ रिसोल्यूशन अपॉइंटिंग पॉवल टू द पोस्ट, बट दिस डिसीशन वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द पॉवल। इंटरव्यू हुए, मैनेजिंग कमिटी ने इंटरव्यू ली। मैनेजिंग कमिटी में मान लेते हैं पांच बंदे हैं, उस पांच बंदों ने यानी कमिटी ने एक ठहराव पसार किया, रिसोल्यूशन पास किया, अपॉइंटमेंट की किसकी? पी की। लेकिन ये जो डिसीशन कमिटी ने लिया है, अब तक पी को मालूम नहीं है कि वो सिलेक्ट हो गया है। ये कम्युनिकेशन अब तक हुआ नहीं है पी को। कमिटी ने अभी तक उसको ऑफिशियल लेटर भेजा नहीं है दैट यू आर अपॉइंटेड, आप सिलेक्ट हो गई है, कुछ मीठा हो जाए, वैसी बात अब तक नहीं हुई है। हाउ एवर अ मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी, अ मेंबर, मैंने कहा मान लेते हैं मैनेजिंग कमिटी में पांच मेंबर हैं, उसमें से एक सभ्य जिसका नाम ली है, मैंने अंदर डिस्क्राइब नहीं किया लेकिन अब बता रहा हूं। मेंबर ऑफ द मैनेजिंग कमिटी विच इज मिस्टर ली इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड विथाउट एनी अथॉरिटी, विथाउट एनी अथॉरिटी इनफॉर्म्ड पी अबाउट द डिसीशन। क्या किया ली ने? ली पी को जानता है तो ली ने पी को बताया, पोवेल को बताया, कॉन्ग्रेचुलेशन तो सिलेक्ट हो गया है, लेकिन ये बताने की अथॉरिटी ली के पास नहीं है, विथाउट एनी अथॉरिटी वो बता नहीं सकता है। कमिटी में वो अकेला नहीं है, कमिटी में पांच मेंबर है, हमने जैसे एज्यूम किया है, ली अकेला नहीं है, तो ये ऑथोराइज डिसीशन नहीं हुआ, ऑथोराइज कम्युनिकेशन नहीं हुआ सर। ठीक है, कोई ऑफिशियल लेटर नहीं मिला है, सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन हुआ है, और ओरल कम्युनिकेशन भी सिर्फ एक बंदे ने किया है इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी, विच इज नॉट अ वैलिड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। लेटर ऑन सब्सिक्वेंटली द मैनेजिंग कमिटी कैंसल्ड इट्स रिसोल्यूशन एंड अपॉइंटेड समवन एल्स। कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट क्या आया? जो रिसोल्यूशन पास किया गया था जिस दिन इंटरव्यू लिए गए थे, वो कैंसल कर दिया, ठहराव रद्द करी देवा मावियो। कौने रद्द करियो? कमिटी है। और अपॉइंटमेंट भी रद्द कर दी, कैंसिल कर दी, किसी और का सिलेक्शन हो गया, समवन एल्स वॉज सिलेक्टेड बाय द कमिटी। कमिटी कैन चेंज इट्स डिसीशन लेटर ऑन ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्कूल। स्कूल के हित में अगर उन्होंने कोई डिसीशन लिया होगा तो वो सही डिसीशन माना जाएगा। और अब तक खास बात, ऑथोराइज पर्सन ने कम्युनिकेशन नहीं किया है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑथोराइज पर्सन और द एक्सेप्टर। यहाँ एक्सेप्टर और ऑथोराइज पर्सन कौन है? मैनेजिंग कमिटी। मैनेजिंग कमिटी ने अभी तक ऑफिशियल लेटर पॉवल को नहीं दिया है। पी ने क्या किया? पी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट द मैनेजिंग कमिटी, फाइल अ सूट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पी ने केस कर दिया मैनेजिंग कमिटी के ऊपर। इट वॉज हेल्ड दैट ही वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अपॉइंटमेंट बाय सम ऑथराइज पर्सन। उसे अपॉइंटमेंट की कोई सूचना दी ही नहीं गई है, कमिटी ने तो नहीं दी है, हेंस देर वॉज नो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर कमिटी ने सूचना दी दी होती, अपॉइंटमेंट ऑफिशियल लेटर अगर उसको दे दिया होता, बाद में अगर कैंसल करने की बात होती तो वो एक्सेप्टेंस, वहां एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा। वहां अगर पॉवल कमिटी के ऊपर केस करता है, या तो ली के ऊपर किया है, एक बंदे के ऊपर किया है, कमिटी के एक बंदे के ऊपर, तू तो कह रहा था मैं अपॉइंट हो गया, क्यों मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, तो किसी और को ले लिया, ये तो फ्रॉड हुआ, मेरे साथ नाइंसाफी हुई, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए बंदे ने केस किया था। लेकिन मैनेजिंग कमिटी ऑथोराइज पर्सन है, ली ऑथोराइज पर्सन नहीं, एक बंदा ऑथोराइज पर्सन नहीं हो सकता है, पूरी कमिटी ऑथोराइज पर्सन है। अगर कमिटी वाइज अगर हम देखें तो कमिटी का एक्सेप्टेंस ही वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा, कोई एक बंदा अगर एक्सेप्टेंस करेगा तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विथ इन ए रीजनेबल टाइम। 7 दिन का अगर आपको टाइम दे दिया गया है, इफ द टाइम इज स्टिपुलेटेड मेंशन्ड व्हाइल पुटिंग एन ऑफर कीपिंग एन ऑफर, एक्सेप्टेंस मस्ट बी डन विथ इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम, विथ इन दैट प्रिस्क्राइब टाइम, विथ इन दैट फिक्स टाइम।
अगर आपको समय दे दिया गया तो एक्सेप्टेंस भी उसी समय के अंदर हो जाना चाहिए। द प्रॉमिस सर वाइल मेकिंग द ऑफर फिक्स द पीरियड विद इन विच द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। 7 दिन का मान लो टाइम दिया है तो 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। अगर आप 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं करते हैं तो 8वें दिन क्या हो जाएगा, ऑफर लैप्स हो जाएगी, उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस वैलिड माना जाएगा नहीं। हम पढ़ चुके हैं आगे, इन सच अ सिचुएशन द एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन के अंदर एक्सेप्टेंस हो जाना चाहिए। इफ नो टाइम इज स्टिपुलेटेड, अगर कोई टाइम नहीं दिया गया है, इट शुड बी एक्सेप्टेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ये चर्चा हम आगे कर चुके हैं, ऑफर में भी ये पॉइंट रिपीट होता है, एक्सेप्टेंस में भी ये पॉइंट कॉमन है। हमने केस देखा था, आपको याद होगा, रामसगेट विक्टोरिया होटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस मॉन्टेफ्योर, वही केस को मैंने यहाँ सिर्फ नाम बदल दिया है, महाराजा वर्सेस राजा कर दिया है, समझ लीजिए। वही सेम टू सेम केस आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपको याद होगा जून और नवंबर वाला केस था, एक बंदा शेयर परचेज करने की ऑफर रखता है, कंपनी उसका एक्सेप्टेंस कब करती है, जून में ऑफर रखता है, एक्सेप्टेंस नवंबर में होता है। तो यहाँ पे जो बंदा है ऑफरर, प्रोमिसर, महाराजा यानी वहां पे मॉन्टेफ्योर था, वो रिफ्यूज कर देता है सर। क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है उसका ये जो ही रिफ्यूज टू टेक द शेयर। सी हम आगे चर्चा कर चुके हैं, इट वॉज हेल्ड दैट एक्सेप्टेंस वॉज नॉट गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। 5-6 महीने हो गए उसके बाद एक्सेप्टेंस किया गया है, उसने जो शेयर्स परचेज करने की ऑफर रखी गई की थी महाराजा ने, राजा ने कब एक्सेप्ट किया, राजा कंपनी ने कब एक्सेप्ट किया सर, 6 महीने बाद, 5 महीने बाद, विच इज नॉट अ एक्सेप्टेंस मेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। 15 दिन, 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने के अंदर वो रीजनेबल टाइम माना जाता। तो वहां पे राजा के पास अधिकार है, इज एंटाइटल, अधिकार है उसके पास, हक है कि वो इस ऑफर को चाहे तो रिफ्यूज कर सकता है। ही कैन रिफ्यूज एज द ऑफर हैज बिन लैप्स्ड। एक्सेप्टेंस अब वो चाहे तो नहीं कर सकता है क्योंकि ये ऑफर ऑलरेडी लैप्स हो चुकी है, ड्यू टू एक्सेप्टेंस वॉज नॉट मेड विद इन रीजनेबल टाइम। बढ़िया पॉइंट आ रहा है, एक्ट डन इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इट इज नो एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। आपको ऑफर ही नहीं पता है तो आप उसका एक्सेप्टेंस कर पाओगे? यू आर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द ऑफर, हाउ वुड यू एक्सेप्ट दैट ऑफर। कुछ याद आ रहा है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, आगे चर्चा कर चुके हैं केस की इसी पॉइंट के ऊपर, कि आपको ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई है तो आप उसका एक्सेप्टेंस कैसे करोगे? आपको ऑफर ही नहीं मालूम है, यू आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द ऑफर कि एक पे एक फ्री है, या इस पे 20% डिस्काउंट है, यहाँ इस पे कुछ इनाम रखा गया, आपको ऑफर ही नहीं मालूम है तो आप उसका एक्सेप्टेंस करोगे कैसे, बताओ? इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो एक्ट डन, कोई भी एक्टिविटी आपने की है, कार्य किया है, लेकिन आपको ऑफर के बारे में मालूम नहीं है, इन इग्नोरेंस ऑफ ऑफर इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल, वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं माना जाएगा। इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, इफ यू डोंट नो द ऑफर यू कैन नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। सिंपल है, मैं कुछ बेचना चाह रहा हूं, मैंने कोई ऑफर रखी है, लेकिन दूसरे बंदे को मालूम ही नहीं कि मैंने ऑफर रखी है, तो एक्सेप्टेंस करेगा कैसे? अगर मान लो एक्सेप्टेंस कर भी लेता है, लेकिन तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा इफ ही डज नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली इज द ऑफर। ऑफर एग्जैक्टली क्या उसको मालूम नहीं है तो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा नहीं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड एंड कम्युनिकेटेड आफ्टर द ऑफर इज मेड, ऑफर करने के बाद उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, एंड कम्युनिकेटेड बाय द प्रपोजर, प्रपोजर यानी प्रोमिसर। जिस बंदे ने ऑफर रखनी है वो ऑफर का कम्युनिकेशन दूसरे बंदे को होना बहुत जरूरी है, और कम्युनिकेशन करने का हक किसे है, जिसने ऑफर रखी, प्रोमिसर, ऑफरर, प्रपोजर। एन एक्सेप्टेंस इन द टोटल इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर कैन नॉट रिजल्ट इन टू कॉन्ट्रैक्ट। आपने एक्सेप्टेंस किया है लेकिन आपको ऑफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप अवेयर ही नहीं हो ऑफर किया है, इट विल नॉट कंसिडर एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला केस भी यहाँ लिखते हो तो वैलिड है, दूसरा केस नहीं पढ़ना हो, नहीं लिखना हो तो आप वो केस यहाँ पे रिपीट कर सकते हो, वैलिड माना जाएगा, नो प्रॉब्लम, दैट केस भी वो केस यहाँ लिख सकते हो आप। लेकिन मैंने दूसरा केस रखा है, फिच वर्सेस स्नेडेकर। स्नेडेकर ऑफर्ड अ रिवॉर्ड टू एनी वन हु रिटर्न्स हिज लॉस्ट डॉग। स्नेडेकर का डॉग खो गया है और उसने एक पब्लिक ऑफर रखी है, क्या ऑफर रखी है, पुरस्कार देगा अगर उसके डॉग को कोई ढूंढ के लाता है तो। स्नेडेकर ने ऑफर रखी, स्नेडेकर प्रोमिसर हो गया। फिच ब्रॉट द डॉग टू स्नेडेकर विथाउट एनी नॉलेज ऑफ द ऑफर ऑफ रिवॉर्ड। स्नेडेकर ने क्या किया सर, सॉरी फिच ने क्या किया, प्रोमिसी ने, उसको वो डॉग मिला,
और उसने वो डॉग लौटा दिया जिसका था उसका नेडेकर को। लेकिन उसे पुरस्कार के बारे में, रिवॉर्ड के बारे में, इस ऑफर के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, उसे पता ही नहीं कोई पुरस्कार रखा गया है। इट वॉज हेल्ड दैट एफ वॉज नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड, उसे पुरस्कार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग नॉलेज अबाउट द ऑफर। जहां आपको ऑफर का नॉलेज नहीं है वहां एक्सेप्टेंस पॉसिबल नहीं है। अगर उल्टा होता, पिच को पता होता कि पुरस्कार रखा गया है, फिर वो उसे ढूंढता, फिर उसे वो डॉग मिलता और वो रिटर्न करता स्नेडेकर को, देन फिच वॉज एंटाइटल टू द रिवॉर्ड। लेकिन नॉलेज नहीं हो तो आप कोई भी रिवॉर्ड के लिए क्लेम नहीं कर सकते। फिच वॉज नॉट एंटाइटल टू द रिवॉर्ड बिकॉज फिच वॉज अनअवेयर ऑफ द ऑफर। तो वेन ही हैज नॉट नोन अबाउट द ऑफर, द क्वेश्चन ऑफ एक्सेप्टेंस नेवर अरोज। अगर आपको ऑफर ही नहीं पता है तो एक्सेप्टेंस का प्रश्न ही नहीं बनता है सर।